चीज़ अहमदाबाद में ना काफ़ी कुछ होता रहता है, जैसे कि खाना पीने वाला एग्जीबिशन लगता है, फिर कपड़ों वाला लगता है, एंड काफ़ी कुछ लगता रहता है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ आते रहते हैं, और आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे लोग जो अहमदाबाद में रहते हैं वो लोग हमें कमेंट करते रहते हैं कि भाई ये वाला रील बनाओ, ये वाला वीडियो बनाओ। तो अभी हम लोग फाइनली उधर ही आए हैं, ये देखो अभी हम लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं। वैसे तो ये मेला है नॉर्मल, पर ये कुछ नॉर्मल नहीं, कुछ स्पेशल है। हमने रील वील देखी थी, हाइप देखी थी, काफ़ी बढ़िया है। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या प्राइस है, और राइड बाइड थोड़ी चलते हैं और थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्राइस मेले का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये देखो अंदर एक्वेरियम भी है काफ़ी बड़ा। तो अभी टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। ले लिए, और ये टिकट कितने की आई भाई? 100 रुपये। 100 में क्या क्या, मतलब एक्वेरियम के साथ कैसा? एक्वेरियम में अंदर घूमने का बाकी सबकी अलग अलग प्राइस है। क्या बात है, तो कल अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी सबसे पहले एक्वेरियम ही है, स्टार्ट हो गया है। चलो भाई, ये तो गुफा लग रही है, यहाँ पे मछलियाँ हैं इतनी छोटी छोटी है ना, एंड सामने वहाँ तक है, एंड ये कौन सी है, डरावनी डरावनी, एंड ये भी है, क्या बात है, वाह, मतलब अलग अलग प्रजाति इसकी मछलियाँ यहाँ पे रखी गई हैं, कितनी बड़ी है। हेलो, डरती भी नहीं है, एंड ये कलरफुल एंड कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, सारे वाइट पत्थर रखे हुए हैं। इसमें छोटी छोटी दूसरी मछलियाँ भी हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं ना, आगे भी बहुत सारी हैं आई थिंक। वाओ, ये तो स्टॉप हुई है, स्टॉप बैलेंस देखो मछलियों का, स्टॉप हो गई एक जगह पे देखो। वाओ, चलो भाई आगे चलते हैं, कितनी मछलियाँ हैं, वाओ गाइस ये देखो कितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। हाय, हेलो यार, कितनी छोटी है, तो देखो कलर करवाया कि ऐसे ही निकल दिया? नहीं नहीं कलर वाला कलर करवाया नहीं, ऐसे ही है। वाओ, कितनी छोटी छोटी है गाइस, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी छोटी मछलियां देखी है, वो भी कलरफुल। मैंने भी भाई। हेलो, डर भी नहीं रही, यहाँ पे भी है, ये बहुत दूर तक है अभी तक, एंड ये थोड़ी बड़ी मछलियाँ लग रही है मेरे को। ओके, ये थोड़े बड़े टाइप में है भाई, उससे भी बड़ी मछलियाँ हैं, क्या बात है, इतनी इतनी छोटी छोटी सी भी थी, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी है, पॉपलेट भी है, पॉपलेट इतनी बड़ी बड़ी होती है क्या? हेलो, ओहो भाई इलेक्ट्रिक ईल नहीं, कोई दूसरी है बड़ी, देखो किसी लॉन्ग है, आई आई ये देखो किसी खतरनाक है भाई, एंड ये है टाइगर फिश देख सकते हो यार, ऐसी प्रजाति की मछली आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं तो। ये क्या हो रहा है भाई? ओके गाइस ये देखो इसमें अलग अलग प्रजाति इसकी है, ये तो बिल्कुल करीब है, करीब से देखो, ऐसे मत देखो प्यार हो जाएगा आंखों में। गाइस मस्त वाली जगह पे अभी एंट्री हो रही है, ये देखो भाई, वाओ ये देखो फिश, वाओ यार कैसा लग रहा है भाई, मस्त ना, वाओ ऊपर तक मछलियां हैं। तो गाइस टनल अभी यहीं पे खत्म होता है, एंड अभी हम आगे जाते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी फिशेज हैं। तो गाइस फिश का टनल अभी खत्म हो चुका है, एंड अभी मेले के अंदर एंट्री हो चुकी है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट लगी हुई है पूरी कंप्लीट, यहाँ पे बुक वगैरह मिल रही है, एंड क्या होता है मतलब स्टॉल वगैरह लगाते हैं मेले में, वो सेम यहाँ के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं आप देख सकते हो, एंड सामने गणपति जी बैठे हुए हैं देख सकते हो आप, एंड लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, ओ वहाँ तक लगी हुई है मार्केट। तो गाइज यहाँ पे गन शॉट भी कर सकते हो, तीर कमान भी है यहाँ पे मारने के लिए, जिसको मारना है वो मार सकता है, 50 का तीर कमान, क्या बात है। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे बॉल शॉट भी है जो मेलों में होता है, मार के जीतने का कुछ है, पूरा 6 गिलास गिराओगे चॉइस करना मिलेगा, जो आप बताओगे, हाँ जो आप बताओगे, एक बॉल में 6 गिलास गिराएंगे, फिर जो लेडीज और बच्चे मतलब सब नीचे गिरने चाहिए, 6 गिलास आड़ा होने का, ऊपर गिरेगा तो भी चलेगा, नीचे गिरेगा तो भी चलेगा, मानने का। गाइस यहाँ पे भी गेम चालू है, 50 का 10 यहाँ पे रिंग मिलेगा, जिसके ऊपर फेंकोगे वो चीज़ आपकी। ओके okay, यहाँ पे भी कुछ गेमिंग एक्टिविटीज़ हैं, सुन लिया गाइस, कुछ भी ले सकते हो, फिर इधर की मार्केट अभी ख़त्म होती है, यहाँ से होता है मेला शुरू, ये देखो। चलो भाई अभी अंदर चलते हैं, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये बैठ सकता है, ये बैठ सकता है बच्चों के लिए सिर्फ,
जा बैठ जा। ये बैठ सकता है मैं ओमी नाम बोला तो गाइस अगली कोई राइड देखते हैं। अच्छा इसमें बैठना है, खतरनाक हो ना उसमें बैठूंगी, बच्चों वाली राइड में कौन बैठेगा। गाइस ये वाली बड़ी वाली राइड है, चल ना भाई। गाइस हम लोग आए हैं लेकिन कोई राइड में नहीं बैठेंगे, तेरे को जिस राइड में बोला तो उसमें बैठा नहीं, वो बिठा ही नहीं रहा मेरे को, मेरा करे। वैसे ये जो मेला है ना ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, टिकट दूसरे जो मेले लगते हैं ना उनसे थोड़ी ज़्यादा है, पानी की बोतल भी 30 रुपए की है। ये जो मेला है ना ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, खाना पीना इतना महंगा और राइड इतनी महंगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस है। मुझे नहीं पता इतनी सारी प्राइस क्यों है, क्योंकि मीडियम लोग आएंगे, अगर मीडियम में कोई फैमिली आएगी तो उसके 1000-2000 तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो भाई बाहर बाहर भी 20 रुपए की मिलती है, तो 10 रुपए ज़्यादा लिए ना, 30 रुपए की है। हाँ तो गाइस यहाँ पे तुर्किश आइसक्रीम वाला भी है, राइड तो आप देख ही सकते हो वहां से लेके, ये भी है एंड प्लस में वो भी है, ये देखो। एंड छोटे बच्चों के लिए लाइन में लगी हुई है, अगर आपके बच्चे हैं तो आप यहाँ आ सकते हो। देखो ये भी राइड है, ये भी राइड है, मतलब राइड यहाँ पे बहुत है। तो गाइस अगर आप भी अहमदाबाद में रहते हो और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हो इस मेले में घूमने के लिए। ये देख सकते हो राइड बहुत है यहाँ पे, छोटे बच्चों का है, अपने बच्चे नहीं लाया अपन, अपन चलते हैं इसमें घोड़े में बैठने का। गाइस मैं नियत करके आया हूँ गाइस दोबारा इस घोड़े में बैठने के लिए, भाई बनाना खाते हैं भाई। ये सिर्फ छोटे बच्चों का है क्या, इसको नहीं बैठा सकते? अरे हेलो भैया, इसको बैठने का इसमें बिठाओ ना यार, हैं क्या हो गया? अरे इसका इतना वजन नहीं है, मैं इधर भी नहीं बैठने दे रहे, ऐसा क्यों इसको बैठने के नहीं दे रहे? ये बच्चा ही तो है। एक काम करते हैं, वो जो है ना सामने हाथी इसमें ट्राई करते हैं, आजा आजा। अरे भैया ये हाथी में इसको बिठाने का है, क्यों? अरे इसका वजन नहीं है इतना। अबे यार भाई एक भी झूले में नहीं बिठा रहे मेरे को। तो गाइस मुझे फाइनली राइड मिल गई, ये मना ना कर दे बस। चलो भाई कौन सी है भाई? अच्छा इसमें पूछ पूछ पूछते हैं। अरे ये राइड में इसको लेके जा सकते हैं, क्यों ऐसा? इसमें बैठना है पर इसको ले भाई इधर भी नहीं, ये मिला हमारे लिए ही नहीं। आप सामने देख सकते हो, वीआर एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ आके, मतलब ये सारी एक्टिविटीज इसी मेले में हैं। गाइस यहाँ देख सकते हो खाली राइडें चलाई जा रही है, क्योंकि ये राइडें बहुत एक्सपेंसिव हैं एंड बहुत कम लोग इन राइडों में बैठ रहे हैं। गाइस मेले घूमते घूमते हमें ये गोल्डन मैन मिल जाते हैं और हमने इन्हें कहा कि भाई हमें भी सिखा कि स्टैचू कैसे बनाया जाता है, तो फिर क्या था, इन्होंने कहा ठीक है आ जाओ भाई मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट है, एंड आपको भी अगर बनना है तो अहमदाबाद के मेले में आके बन सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। वैसे ये जस्ट फन था, रील बनाने के लिए कर रहा था, बिजनेस नहीं खोलना मुझे इसके कॉम्पिटिशन में। तो गाइस यहाँ पे पब्लिक की भीड़ देखो, अभी पहले हम आए थे तब वहाँ पे इतनी नहीं थी, अभी देखो मस्त मज़ा आता, लेकिन मुझे शर्म आती इसलिए नहीं जा रहा। तो गाइस मेला पूरा घूम लिया एंड अभी हम एग्जिट ले रहे हैं, एंड यहाँ पे है एग्जिट गेट एंड अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।